हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का धनर सिंह बिहार में। अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आपका गर्भधारण होने वाला है तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जैसे कंडीशन में माँ और बच्चे दोनों मर जाते हैं। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो भी ऐसा कंडीशन हो सकता है, या फिर आप घर पर हैं तो भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। अगर आपको जो है हाई बीपी की समस्या है, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, आप बेसुध हो जाते हैं, या फिर आपको दौरा पड़ रहा है, या फिर आपको आँख से कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उल्टी हो रही है आपको, साथ ही जो है आपके चेहरे और फिर हाथ पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गया है, साथ ही अगर आप पेशाब करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही जो है पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर जो है आपको दर्द हो रहा है, अगर ये सब टाइप के कोई भी आपको लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं कि अगर इस टाइप के कोई लक्षण आप में आता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, या फिर इसके जो है क्या कारण होते हैं इन सारी चीज़ों का होने का, आपकी बॉडी में क्या कारण होता है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, साथ ही हाथ और पैर में सूजन और फिर पेशाब से प्रोटीन का आना, ये सारी स्थिति को हम लोग प्रीक्लेम्सिया कहते हैं। यह मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इस टाइप के टर्म यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेडिकली टर्म्स हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिलाओं में हाथ पैर में सूजन होना, पेशाब से प्रोटीन आना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, इन सारे लक्षणों को मुझे प्रीक्लेम्सिया कहते हैं। ये कुछ मेडिकल टर्म है जो भी आपको जान लेना चाहिए। साथ ही अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया इन सारे लक्षणों का, तो जो ये प्रीक्लेम्सिया में बदल जाता है, जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब प्रीक्लेम्सिया होता क्या है, इस दौरान जो है आपको बहुत ज़्यादा दौरे पड़ने लगेंगे, आप बेसुध हो जाएंगे, इस टाइप की सिचुएशन होने लगेंगी आपको। तो जब आपका जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है ना कि जो आपका जो धमनी है वहाँ पे रक्त का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है, आपका जो आर्टरी है वहाँ पे जो रक्त का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है। अगर रक्त आपका जो ब्लड है वो उसका फ्लो जो है ज़्यादा होने लगेगा, तो इससे जो है आपकी धमनियों को नुकसान पहुँच सकता है, आपके ब्लड का जो ब्लॉकेजिंग हो सकता है। तो कई बार होता ये है कि आपका जो ब्रेन है वहाँ पर थोड़ा सा काम करना कुछ डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में स्वेलिंग हो सकता है, आपके बच्चे के बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है। तो इस टाइप का जब सिचुएशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप डॉक्टर की कंसल्ट में नहीं है या फिर आपके इलाज नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में माँ और बच्चे दोनों मर सकते हैं। ये जो है ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये यूनिसेफ ने भी डिक्लेयर कर दिया है, और फिर आप टीवी में भी ऐड देखते ही होंगे कि यूनिसेफ ने बताया कि जिस गांव तक जो है काफ़ी सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाते हैं, डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाती, या फिर माँ जो है डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसे कंडीशन में जब उसकी डिलीवरी होती है तो माँ और बच्चे जो है दोनों को मरने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो है पूरी दुनिया में 14% जो है महिलाएं इसी दौरान मर जाती है। प्रीक्लेम्सिया जो है आमतौर पे आपके किडनी के कार्यों को जो है प्रभावित करता है, आपके पेशाब में प्रोटीन का आना यानी कि प्रोटीन यूरिया का संकेत है। यदि जो है हमारे किडनी में ग्लोमेरुलू नामक जो है फिल्टर वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वहीं से जो हमारा प्रोटीन लीकेज हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेशाब से प्रोटीन का आना। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। साथ ही जो है अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि नाक में पाइप क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस हिंदी में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो से हम यहीं पर विदा लेते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।